दावोस में चले विश्व आर्थिक परिषद में भाग लेकर के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बुधवार को मुंबई लौट आए। एयरपोर्ट पर उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने उनका स्वागत किया। बाहर आकर के उन्होंने मीडिया को बताया कि दावोस में दो दिन के भीतर महाराष्ट्र के लिए 1,37,000 करोड़ रुपए के निवेश के सामंजस्य करार हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देशी और विदेशी निवेशकों ने महाराष्ट्र पर अपना विश्वास जताया है। उन्होंने निवेशकों का आभार जताते हुए कहा कि जिन उद्योगों की स्थापना के लिए MOU साइन हुए हैं उनकी स्थापना का काम जल्द से जल्द शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश के समझौते हुए जिसमें 54,276 रुपए के निवेश के लिए हाईटेक और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों की 6 कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके माध्यम से 4,300 रोजगार सृजित होंगे। ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रों में 46,800 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें 45,000 रोजगार सृजित होंगे। IT फिनटेक डाटा सेंटर के क्षेत्र में 32,414 करोड़ रुपए के निवेश के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा 8,700 लोगों को रोजगार मिलेगा। लौह उत्पादन के क्षेत्र में 22,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और इसमें 3,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में 1,900 करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिससे करीब 600 लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने राज्य सरकार के माध्यम से लोगों के हितों में निर्णय लेने के साथ साथ उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति तय की है। नई नीति में वन विंडो योजना, पूंजीगत सब्सिडी, GST टैक्स सब्सिडी के साथ साथ नई तकनीकी और बड़े उद्यमों को विशेष पैकेज देने का निर्णय लिया जा चुका है। दावोस में महाराष्ट्र के नॉलेज पार्टनरशिप के लिए MOU साइन किए गए हैं। इनमें मुंबई मेट्रोपॉलिस कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के साथ स्मार्ट सिटी पर विश्व आर्थिक मंच के साथ शहरी परिवर्तन, नई अर्थव्यवस्था समाज पर तथा स्विस इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ निवेश और व्यापार के सहयोग के लिए MOU पर हस्ताक्षर हुए। हालांकि इसके पहले भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि ये सारा निवेश सिर्फ कागजों पर नहीं रहेंगे बल्कि इसको धरातल पर उतारा जाएगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि उच्च प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा के क्षेत्र में 54,276 करोड़ रुपए के MOU किए गए हैं। इससे 4,300 लोगों को रोजगार मिलेगा। सूचना प्रौद्योगिकी और वित्तीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में 32,414 करोड़ रुपए के समझौते हुए जिनसे 8,700 लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रों में 46,000 करोड़ रुपए के समझौते हुए जिनमें से 4,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा इस्पात निर्माण क्षेत्र में 2,200 करोड़ रुपए का निवेश होगा जिससे 3,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और 1,900 करोड़ रुपए का समझौता कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में हुआ जिसमें 600 लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि आगामी दो दिनों में MOU पर हस्ताक्षर की उम्मीद है। MOU भी सिर्फ कागज पर नहीं रहेंगे और भूमि को चिन्हित करके प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि इसके पहले महाराष्ट्र से उद्योग जाने के मुद्दे पर महाराष्ट्र में विपक्षी दलों ने राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार को जमकर घेरा था और कहा था कि महाराष्ट्र के युवाओं के साथ राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार ने धोखा किया है और उनके हक का रोजगार किसी और राज्य को दिया जा रहा है। और इस मामले पर राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार बैकफुट पर आ गई थी। एक बार फिर से महाराष्ट्र में विदेशी निवेश आने पर राज्य सरकार इसको जमकर प्रचारित कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी तक विरोधियों का कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की सरकार जितना रोजगार देने का दावा कर रही है उसमें से कितना पूरा कर पाती है, क्योंकि युवाओं को राज्य के शिंदे फडणवीस सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, उनको रोजगार की जरूरत है, लेकिन अब कितना वादा पूरा हो पाता है ये देखना दिलचस्प होगा। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।